नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए चैत्र मास के नवरात्रों के विषय में आपको बताएं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि चैत्र मास के नवरात्रे बड़े प्रमुख हैं। चार नवरात्रे विशेषतः हम अपने उस संवत के हिसाब से मानते हैं। पहले नवरात्रे माघ मास में, क्योंकि हमारा संवत जो है चैत्र मास से शुरू होता है, तो 22 मार्च 2023 को चैत्र संवत प्रतिपदा पहली तिथि है और नया संवत जो है हमारा यहाँ से शुरू होगा। बड़ा उत्तम, चारों तरफ बड़ा मनमोहक दृश्य बना रहता है। इन्हीं दृश्यों के अंतर्गत हमारी प्रकृति भी आनंदमयी बन जाती है। तो पहला जो नवरात्रे हैं भगवती के, इस नवरात्रों में जिनके संतान इत्यादि नहीं हो रही है या संतान की कामना के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए, आपकी गोद जरूर भरेगी। चैत्र मास नए संबत के साथ, नई उत्पत्ति के साथ यह नवरात्रे जो हैं पर्व का रूप मना करके शुभदायक होते हैं। प्रातःकाल 5:15 बजे से सूर्य उदय के साथ ही यह नवरात्र संवत शुरू हो जाता है और इसमें माँ भगवती की उपासना करना बड़ा लाभदायक रहता है। मित्रों, इस चैत्र मास के अंतर्गत 22 मार्च को जो ये चल रहा है, इस चैत्र मास के अंतर्गत माँ भगवती की उपासना करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये नवरात्रे 9 रात्रि मानी गई हैं देवी के। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यानीति च, सप्तम कालरात्रि तो महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से देवी के जो हैं नाम लिए जाते हैं, घट स्थापना की जाती है, जौ इत्यादि बीजे जाते हैं। जहाँ पर ये साधन न हो तो आप एक लोटे में थोड़े से चावल डाल करके, जल डाल करके, और उसके बाद चावलों की कटोरी के ऊपर उस लोटे को रख के उसके ऊपर एक श्रीफल रख लें। अगर हो सके सुविधा अनुसार तो आम्र पल्लव भी ले करके माँ भगवती का ध्यान करें। ये माँ भगवती हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें मन इच्छानुसार। और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो कील कवच अर्घला स्तोत्र जरूर पढ़ें। इतना भी नहीं हो सकता है तो माँ भगवती का ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसके एक माला जो है नित्य पढ़ लें। पुस्तकों में कई प्रकार के हैं, देवी के 9 नाम हैं, सहस्त्र नाम हैं, उनको आप ध्यान कर सकते हो। घी का, गाय के घी का जो है ज्योत जलाइए, दीपक जलाइए, वह आपके जीवन में प्रकाशमय करता है। तो चैत्र मास संवत, ये नया संवत जो है नया पर्व के साथ में शुरू हो रहा है, इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाइए। और पहला नवरात्रा जो है 22 मार्च को है, प्रातःकाल सूर्य उदय के साथ में ही इसका जो है उदय कालिक हो जाता है। फिर भी आप जो है विभिन्न प्रकार के, कई लोग पूछते हैं, प्रसन्न करते हैं कि आचार्य जी हम तो जरा लेट उठते हैं तो क्या 10-11 बजे भी कर सकते हैं? महाराज, भगवती का ध्यान आप किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है 11 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, क्योंकि यह ज्योत जो है निरंतर जलती रहती है। आकाश प्रकाश अर्थात आपके जीवन में उजाला करने के लिए माँ भगवती चैत्र मास में समासित होती है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। 5:15 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसा जैसा समय आपको मिलता है माँ भगवती का ध्यान करके, माँ दुर्गा का शेरों वाली का एक प्रतिमा आप सामने रख सकते हैं, जगदम्बा की प्रतिमा रख सकते हैं, और उनका ध्यान करते हुए आप इस प्रकार से माँ भगवती की पूजा अर्चना कीजिए। पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, सुपारी, मीठा पान इत्यादि, फल इत्यादि, और भगवती को लगातार 9 दिन तक अपने घर में स्थापना कीजिए। तत्पश्चात जब आप अंतिम दिन में यानी अष्टमी के दिन आप 8 कन्याओं को भोजन कराएं, उनको यथाशक्ति जो कुछ आप दान देना चाहें वो दान दीजिए, माँ भगवती आपके ऊपर
प्रसन्न होगी और आपकी मनोच्छानुसार मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यह नवरात्रे शुभदायक हैं। दूसरा नवरात्रा जो हम मनाते हैं वो श्रावण मास में है, गुप्त नवरात्रे हैं। और माँ तीसरा नवरात्रा जो आता है असु के, ये प्रचलित हैं असूज शक्ति के प्रदायक के लिए। और चौथा नवरात्रा माघ मास में, माघ मास में भगवान नारायण और शिव की प्रतिमा के भाव में भगवती का ध्यान करें। तो इस प्रकार से दो नवरात्रे गुप्त होते हैं और दो नवरात्रे प्रचलित होते हैं। एक में प्रजनन के लिए है, नई वृद्धि के लिए है, और एक नवरात्रे शक्ति के लिए है, विजय के लिए है, जिसको श्री रामचंद्र जी ने भगवान की भगवती की स्थापना की थी विजयी पर्व के लिए और रावण के ऊपर विजय पाई थी। वो विजय दशमी के अंतर्गत आती है। इस चैत्र मास के अंतर्गत भगवान राम का भी जन्म होता है। रामनवमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है चैत्र मासेन, और यह शुभदायक है। एक में विजय की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण ने प्रार्थना की और एक में जन्म पर्व के रूप में भगवान नारायण की स्तुति की गई। तो आइए इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं और नया संवत, नए नवरात्रे आपके लिए शुभदायक हों, नया संवत आपके लिए शुभदायक हो, मंगलदायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।